हाईप्रेंड मैं हूं आपका होस्ट जिशान और आप देख रहे हैं टैक अलर्ट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Xiaomi के मी नोट 10 के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया का पहला स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे कि क्या इसकी एक्चुअल प्राइस होगी, ये पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो दोस्तों इसी बात पर इस वीडियो को लाइक कर देना है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आइंदा आपको अच्छी अच्छी वीडियोज मिलती रहे। सो या गाइस, without wasting any more time, let's go for it. तो दोस्तों Mi Note 10 जो है दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इससे पहले Xiaomi ने ही Mi Mix Alpha के नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला था जिसके अंदर भी 108 मेगापिक्सल का कैमरा था, लेकिन उसकी लॉन्च डेट को पोस्टपोन कर दिया दिसंबर तक। तो ये Xiaomi का जो Mi Note 10 जो है वो पहला स्मार्टफोन बन गया जिसके अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है और साथ ही साथ ऑलमोस्ट आपको तमाम स्पेसिफिकेशन जो है एक फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले इसके डिस्प्ले और डिजाइन की बात कर लें तो यहां पर आपको 6.47 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और यहां पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको सेल्फी के लिए ड्रॉप नॉच कैमरा भी देखने को मिलता है। और एक और बात, यहाँ पर आपको बेजल्स जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको बॉडी रेशियो जो है, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है 88% का देखने को मिलता है। साथ यहाँ पर आपको ग्लास की बॉडी देखने को मिलती है और फ्रेम यहाँ पर आपको एल्युमिनियम का देखने को मिलता है। तो दोस्तों बिल्कुल एक प्रीमियम लुक के साथ स्मार्टफोन आता है, आपको बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। बैक साइड पर यहाँ पर आपको 5 कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है जिसका प्राइमरी सेंसर जो है 108 मेगापिक्सल का है और जो दूसरा कैमरा है वो 5 मेगापिक्सल का एक ऑप्टिकल जूम है और 12 मेगापिक्सल का एक आपको पोर्ट्रेट शॉट के लिए कैमरा मिल जाता है। 20 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और जो पांचवा कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। तो दोस्तों ये 5 कैमरे का एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका अगर आप कंपैरिजन देख लें आईफोन 11 प्रो के साथ तो आपको इसके अंदर Xiaomi का जो Mi Note 10 है उसका रिजल्ट आपको ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। उस इमेज की जो डिटेल है आपको Mi Note 10 के अंदर आपको बहुत ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी आईफोन 11 प्रो से। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है जिसका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा है। और चिपसेट जो है यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G का देखने को मिलता है और जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है, एक फ्लैगशिप लेवल का चिपसेट है और एड्रीनो 618 का आपको यहां पर जीपीयू देखने को मिलता है। तो दोस्तों पावरफुल कैमरे के साथ पावरफुल चिपसेट भी दिया गया है इसके अंदर। और यहां अगर वेरिएंट्स की बात कर लें तो ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च होगा, एक 6GB 128GB, एक 8GB 128GB का। और साथ ही साथ यहां पर आपको एक हाइब्रिड एसडी कार्ड की स्लॉट भी देखने को मिल जाएगी। बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 5260 एमएएच की एक बड़ी बैटरी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाती है, 30 वाट का एक फास्ट चार्जर भी इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जो कि 30 मिनट के अंदर 58% और 65 मिनट के अंदर 100% जो है आपका मोबाइल चार्ज कर देगा। तो दोस्तों एक पावरफुल कॉम्बिनेशन दिया गया है, तकरीबन हर चीज के अंदर आपको एक फ्लैगशिप लेवल की देखने को मिलती है, आपको एक ओवरऑल एक पावरफुल पैकेज देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर इसकी प्राइसिंग को ले लें तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये स्मार्टफोन तकरीबन 70 से 80 हजार के अंदर लॉन्च होगा। और उसकी लॉन्च डेट की बात कर लें तो ये स्मार्टफोन दिसंबर के बीच में जो है पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हो जाएगा, पहले इंडिया में लॉन्च होगा उसके बाद फिर ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये थी इसकी स्पेसिफिकेशन, मैंने आपके साथ शेयर की, एक पावरफुल स्पेसिफिकेशन के अंदर दी गई है और बहुत ही पावरफुल सेट आपको ये देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट में बताइए, क्या ये स्मार्टफोन बाय करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं, और ये स्मार्टफोन को लेकर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।